सो हेलो एवरी वन, माई सेल्फ रंजन कुमार और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो बायोलॉजी पढ़ाने से पहले कुछ बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। आखिर आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो क्यों पढ़ोगे सर? ऐसा तो है नहीं आप यूट्यूब पे आपको वीडियो क्यों देखें, इससे बढ़िया कुछ कॉमेडी वीडियो देख लेंगे। लेकिन बाबू बायोलॉजी हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि एग्जाम होता है नीट का, या फिर आप बात करें बोर्ड के एग्जाम का बात करें या फिर नीट के एग्जाम का बात करें, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारे लाइफ में जो कि हमको क्लियर करना है। तो बात करें अगर नीट का, बात करते हैं अगर नीट का, देखो पढ़ेंगे तो हम लोग है कि नहीं, क्लास इलेवेंथ हो, क्लास ट्वेल्थ हो, क्लास टेंथ हो, जो भी चैप्टर है, जो भी सब्जेक्ट हो बायोलॉजी के रिगार्डिंग, वो तो पढ़ेंगे। बट उससे पहले कुछ बात करते हैं स्ट्रेटेजी का कि क्या फॉलो करना चाहिए जिससे मेरा नीट या फिर बोर्ड में एक अच्छा स्कोर आ पाए, जिससे मेरा फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो पाए, है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, अगर नीट के एग्जाम के बारे में बात किया जाए तो होता है 720 मार्क्स का। कितना मार्क्स का होता है? 720 मार्क्स का। इस 720 मार्क्स में से बायोलॉजी का जो पोर्शन है उससे आता है 360। तो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस पता चल गया, बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमको कॉमेडी वीडियो नहीं देखना चाहिए। तो अगर बात करें 720 में से 360 अगर बायोलॉजी का मार्क्स है, इसमें से अगर मेरे 340 आ जाते हैं, इसमें से अगर 340 या 340 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, तो मेरा नीट में सिलेक्शन होने का चांस 50% क्या 70% से भी ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। अब सर ये 340 तो आपने बहुत आसानी से बोल दिया, ये कैसे आएगा? बाबू 340 ऐसे आएगा कि अगर 340 मार्क्स हमको लाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे बताते हैं वैसे फॉलो करना है। बाकी हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 340 मार्क्स से प्लस मार्क्स दिलवाना मेरा जिम्मेवारी है। आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि एनसीईआरटी को फॉलो करना है। क्या करना है? कंप्लीट एनसीईआरटी को फॉलो करना है। सब फॉलो तो कर लेंगे, मेरे पास तो दो दो एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, बट उससे क्या बाबू, एनसीईआरटी तुम्हारे पास है, पढ़ाएंगे हम यहाँ से, जो पढ़ाएंगे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट रहेगा। आपको करना क्या है? आपको देखना है वीडियो लेक्चर और जाके एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है सर? आपने बोला हमने पढ़ लिया एनसीईआरटी, उसके बाद क्या बाबू? उसके बाद हमको क्या करना है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर हम एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं उसके बाद क्या करना है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब सर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद क्या करना है बाबू? फिर से एनसीईआरटी को उठाना है और देखना है कि सर जो क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड करवाएं क्या वो हमसे सॉल्व हुआ, और अगर वो हमसे सॉल्व हुआ तो कौन सा लाइन का एनसीईआरटी से वो क्वेश्चन पूछा गया था, है कि नहीं। तभी तो आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का क्या फायदा हुआ, ऐसे तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को रट लेते हैं 100-100 सब चैप्टर से, हो जाएगा नीट में सिलेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है? जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे उसके बाद आपको फिर से एनसीईआरटी का बुक पे जाना है। उसके बाद क्या करना है? आपको देखना है कि जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से करवाएं, जो मेरा गलत हुआ, जो मेरा सही हुआ, तो मेरा क्या ऐसा क्या डिमेरिट था मेरे अंदर जो गलत हुआ, फिर से आप पढ़ें। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम आपको करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद क्या करवाएंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक सीक्वेंस करना है, पहले आपको पहले यहाँ जो भी पढ़ाया जाए आपको वीडियो लेक्चर में उसका नोट्स बनाइए। दूसरा काम क्या करना है? एनसीईआरटी को पढ़ना है। अब ये दो काम करने के बाद आपको क्या करना है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। सर ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? बाबू ये क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल टेक गुरुज पे आपको टोटल सॉल्यूशन के साथ हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का मिलेगा। यहाँ पे आपको करने के बाद क्या करना है? फिर एनसीईआरटी पे जाना है। फिर एनसीईआरटी के पास जाने के बाद क्या करना है? आपको पीवाईक्यू में जाना है। सर पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा? सर अगर मिल गया तो सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? बाबू टोटली पीवाईक्यू आप विथ सॉल्यूशन आपको हम यहाँ पे करवाएंगे। उसके बाद क्या करवाएंगे? अगर इतना आप कर लेते हो और इसके अलावा चाहते हो कि कुछ क्वेश्चन का और प्रैक्टिस हो जाता मेरे लिए अच्छा रहता है कि नहीं, तो अगर ऐसा चाहते हो कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन का और प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप मैसेज करें और आप अपना क्वेश्चन मांग सकते हैं कि हमको और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए, आप अपना डिस्क्रिप्शन बता दीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उस क्वेश्चन में फिर आपको कोई डाउट होता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर पर, आपको फिर वहाँ से सॉल्यूशन भी उसका मिल जाएगा, है कि नहीं। तो एक पूरा प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं कि 340 बोल दिए तो बस बोलने के लिए आके एक दिन में 340 मार्क्स आए। ऐसा भी यूट्यूब पे वीडियो होता है कि एक दिन पढ़ के 340 मार्क्स लाए, नहीं बाबू ऐसा नहीं होता है, ये सब बस बोलने का बात है। 340 मार्क्स प्लस स्कोर करना है तो हमको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू। अगर ये चीज़ फॉलो कर लेते हैं उसके बाद क्या करना है
उसके बाद बाबू क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही एक यूनिट चैप्टर खत्म होता है, जैसे बात कर ले क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन का, तो अगर वो यूनिट खत्म हो जाता है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक देंगे माइनर टेस्ट। माइनर टेस्ट मतलब क्या सर? बाबू माइनर टेस्ट का मतलब हर एक यूनिट वाइज टेस्ट, हर एक यूनिट वाइज टेस्ट। यूनिट वाइज टेस्ट का मतलब क्या सर? कि अगर एक यूनिट खत्म होता है, अगर एक यूनिट खत्म होता है तो उससे नीट में जैसा क्वेश्चन आता है, अगर उसी पैटर्न का क्वेश्चन हमको मिल जाए टेस्ट में, जिससे हमको ये पता चल पाए कि क्या हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना मार्क्स आ रहे हैं, खुद को एनालाइज कर पाएं, तो इस तरह का फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? माइनर टेस्ट में। सर यह ये कहाँ पे होगा? बाबू ये तो एक होगा ऑफलाइन, जो हमारे टेक ग्रुप का सेंटर जहाँ रांची में वहाँ पे होगा। दूसरा आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे। जैसे ही हमारा खत्म होता है, जैसे ही फर्स्ट यूनिट खत्म होगा, आपको 90 क्वेश्चन का एक सीरीज मिलेगा। आपको क्या करना है अगर आप ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हो, आपको क्या करना है ऑनलाइन के लिए, क्या करना है बाबू, कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखिए मेरा, हर एक क्वेश्चन का 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिए और देखिए 90 में से आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ये हो गया माइनर टेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मेजर टेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे? मेजर टेस्ट। सर मेजर टेस्ट क्या हो गया? वो मेजर टेस्ट का मतलब हो गया कि पूरा सिलेबस का टेस्ट। छोटा छोटा तो पढ़ना आसान होता है कि नहीं? अब लिविंग वर्ड का टेस्ट ले लिए, उससे तुम 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन सही करके ये तो डिसाइड नहीं कर सकते हो कि 360 में 340 मार्क्स मेरा बायोलॉजी में आ जाएगा नीट में, है कि नहीं? तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मेजर टेस्ट पे। मेजर टेस्ट में मतलब क्या कि पूरा होल सिलेबस का टेस्ट होगा। और ये कब होगा? जब हम लोग पूरा टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो जब मेजर टेस्ट में अगर मेरा 90 में से 85 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो हम क्यों नहीं माने कि मेरा नीट में 85 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये पूरा सीक्वेंस है बाबू, पूरा सीक्वेंस है ये, जिसको हम लोग को फॉलो करना है और 340 प्लस मार्क्स स्कोर करना है। सर ये तो आपने नीट के बारे में बता दिया, सर अब क्या हम लोग बोर्ड नहीं देंगे? तो बाबू बोर्ड भी देना है। हमने कहाँ बोल दिया कि आपको बोर्ड नहीं देना है? हम लोग को बोर्ड में भी 95% स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड को छोड़ देना है। अब बोर्ड में सर कैसे 95% स्कोर होगा? बाबू अगर तुम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो इतना सिंपल सा बात तुमको भी समझ में आ रहा है और हमको भी समझ में आ रहा है कि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आएगा एनसीईआरटी से। तो तुमको क्या करना है कि सर हम क्या करें कि मेरा 95% आएगा? आप तो बोल दे बहुत आसानी से। आपको बस इतना सा काम करना है कि इस 95% के लिए जो भी एनसीईआरटी कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करना है। दूसरा आपको जो नंबर दिख रहा है हमारा, उसमें आप मैसेज करें, आप बोले कि जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है वो हमको दीजिए विद सॉल्यूशन, आपको बोर्ड लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। और क्या करना है इसके अलावा हम क्या करेंगे, आपके बोर्ड के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आपको एक बार करवा देंगे, ताकि आपको पता चले कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। देखो बात सिंपल सा है, बात सिंपल सा है कि जो नीट में 340 मार्क्स के लिए लड़ रहा हो, उसके लिए बोर्ड में 95% लाना उतना मुश्किल काम तो नहीं है भाई, उतना मुश्किल काम तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, अगर हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो आप वहाँ पे जाके लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। बट नीट के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा जो हम लोग करेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आप DS MS जो भी एक्सेट्रा बुक हो उस पर जाके आप पूरा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस चैनल पर उस चैनल पर, आपको कहीं नहीं जाना है। आपका टोटल सॉल्यूशन बस इसी चैनल पर है। NCERT पढ़ाया जाएगा विथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, उसके इर्द गिर्द जो भी पॉइंट होगा उसको सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा विथ NCERT बेस्ड। NCERT बेस्ड क्वेश्चन करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी क्वेश्चन करवा दिए, आपको पढ़ाए व्हाट इज रिप्रोडक्शन और आपको पूछ दिए कि क्या मून पे रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। ऐसा भी होता है बाबू। देखो बात ऐसा है कि हमको पता होना चाहिए कि नीट में क्या पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ पे, क्या नीट में कभी ये क्वेश्चन आएगा कि रिप्रोडक्शन हो सकता है मून पे कि नहीं? नहीं, कभी नहीं आएगा। तो NCERT बेस्ड पढ़ के NCERT बेस्ड क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है, तभी तो हम आगे जाके तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमसे बन जा रहा है, इसका मतलब आगे वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद क्या करना है? टेस्ट देना है, माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट, और खुद को सेल्फ एनालाइज करना है। ये नहीं कि हमको उससे कंपेयर करना कि उसका तो 360 में 360 आ रहा है। भाई तुम्हारा भी 360 में 360 आएगा, ये हम प्रॉमिस करते हैं। क्या तुम प्रॉमिस करते हो हमसे? बस तुमको कुछ नहीं करना है, NCERT को फॉलो करना है, जितना कंटेंट यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करना है। NCERT बेस्ड क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा उसको फॉलो करना है, PYQ। उसके अलावा माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट जो आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया जा रहा है उस पर मैसेज करना है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका।
आप बिल्कुल फ्री ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो और ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हो विद सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि आपको बस क्वेश्चन दे दिए उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको सब कुछ पूरा एक सीक्वेंस में मिलेगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि बोर्ड में 95% और नीट में 340+ इतना तो आएगा भाई, बस इतना फॉलो कर दो इतना तो आएगा। हम आपसे जुड़ रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और शुरू करते हैं इस आगे का कारवा को और फोड़ते हैं, है कि नहीं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर लाइफ। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट डे से हम लोग आएंगे एक नया चैप्टर के साथ और ऐसे ही खत्म करते हुए पूरा टॉपिक खत्म करके नेट में 340 और बोर्ड में 95% प्लस ला के दिखाएंगे। थैंक यू।